आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पर्यवेक्षक ने ली बीएलओ की बैठक। पात्र लोगों के नाम प्राथमिकता से मतदाता सूची में जोड़े गंगारेकर सनावत। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्य होने वाला है, जिसके मद्देनजर नए मतदाताओं का नाम जोड़ना और घटाने का कार्य नगर पालिका में किया जा रहा है। वहां पर इस कार्य में लगे बीएलओ की बैठक लेकर उनसे विगत दिनों में किए गए कार्यों की समीक्षा और आगामी कार्य योजना की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक नए लोगों के नाम जोड़ने की बात कही। साथ ही उन्हें निर्देशित किया कि जो भी मतदाता सूची के पात्र लोग हैं, उन लोगों के नाम प्राथमिकता से जोड़े। ये बात नगर पालिका में बीएलओ की बैठक के बाद जिले के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक आर गंगारेकर ने हमारे संवाददाता से कही। श्री गंगारेकर ने कहा कि नगर पालिका सभागृह में बीएलओ की बैठक ली, जिसमें सभी बीएलओ से जानकारी एकत्रित की गई। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम जुड़ने से छूटना नहीं चाहिए, सभी की समस्याओं का समय पर निराकरण किया जाए। उन्होंने नगर पालिका के मतदाता सूची का काम देख रहे राजाराम सिरसाठे से जानकारी ली। उन्होंने बताया 4 से 11 अप्रैल तक मतदाता सूची में दावे आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। इसमें करीब 36 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें नाम जोड़ने के लिए 21 लोगों ने आवेदन दिए, वहीं नाम हटाने के लिए 15 लोगों ने आवेदन दिए। इन सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण कर दिया जाएगा। वहीं श्री गंगारेकर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि नई मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोग नाम जुड़ाएं, साथ ही जो युवा 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं वो लोगों को भी प्राथमिकता के साथ नाम जोड़े। वहीं बीएलओ घर घर वार्ड वार्ड सर्वे करे, ऐसे में लोगों के नाम प्रमुखता से जोड़कर भारत निर्वाचन आयोग की मंशा पूरा करे। यहां पर करीब 1 घंटे बैठक लेने के बाद पर्यवेक्षक भीकन गांव के लिए रवाना हो गए। इस दौरान तहसीलदार शिवराम कना से सीएमओ बलराम भूरे, पटवारी नारायण दस्ताने सहित नगरपालिका राजस्व विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। खरगोन जिले के लिए नियुक्त श्री गंगारेकर साहब, जो रिटायर्ड आईएएस है, वो मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, उसके निरीक्षण के लिए आए। यह नगर पालिका में उन्होंने मार्गदर्शन दिया और सभी प्राधिकृत कर्मचारी बुला के दावे आपत्तियाँ कितने आए उस संबंध में उचित कार्रवाई करने उन्होंने निर्देश दिया है। और आगामी उस मतदाता सूचियों के संबंध में जो भी दावे आपत्ति उनका समय सीमा में निराकरण करने का निर्देश दिया गया है। सनावत में नगर पालिका में जी सनावत नगर पालिका कार्यालय में समीक्षा की।